हारमोनियम एक विदेशी मूल का वाद्य है। विद्वानों के मतानुसार हारमोनियम की रचना अलेक्जेंडर डिवेन द्वारा फ्रांस में हुई तथा इसी वाद्य के आधार पर पाश्चात्य वाद्य पियानो प्रकाश में आया। हारमोनियम पियानो की अपेक्षा कम मूल्य का होने, रख रखाव, सुर लगाव की सरलता तथा अनुकूलता के कारण घर घर में प्रचलित हुआ। हारमोनियम को आज भारत में सुशीर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल हवा या धोकनी के द्वारा स्वरोत्पत्ति की जाती है। इसकी रचना रीड पत्ती से की जाती है। इसकी रचना पाश्चात्य समान स्वरांतरों में इक्वल टेम्पर्ड स्केल के आधार पर की गई है। इस वाद्य की रचना का आधार पाश्चात्य हारमोनी संगीत है। हारमोनियम को बंधे स्वर वाला वाद्य फिक्स्ड की इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। यह एक संगत साज है। अन्य संगति वाद्य तानपुरा सारंगी की भांति इस वाद्य को संगत के लिए मिलाना नहीं पड़ता है। पाश्चात्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल वाद्य स्थायी ट्यूनिंग होने के कारण हारमोनियम को भारतीय शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से इस वाद्य का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसे खड़े स्वर का वाद्य भी कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के लिए तानपुरा ही श्रेष्ठ वाद्य माना गया है, क्योंकि हारमोनियम श्रुति स्वर के अंतर को नहीं पकड़ सकता। इसी संदर्भ में 1990 के दशक में आकाशवाणी पर इस वाद्य को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुछ सीमा तक राग रागिनियों के स्वरों के साथ संगत के लिए हारमोनियम की ट्यूनिंग पाश्चात्य टेम्पर्ड स्केल में न करके भारतीय मेलोडिक आधार पर ट्यून किए जाने लगा है। हारमोनियम के कारखाने सर्वप्रथम भारत में पालीताड़ा, सौराष्ट्र और भावनगर में बनाए गए। अधुना मुंबई की डीएस कंपनी, कलकत्ता की पाल एंड कंपनी, अमृतसर की दादा सिंह राम सिंह कंपनी और दिल्ली की बीना कंपनी प्रचलित है। सर्वप्रथम 1852 से 1920 के बीच ग्वालियर के भैया साहब गणपत राय एक गुणी और प्रसिद्ध वादक हुए। उनके शिष्य छम्मन साहब हुए। पुष्टि मार्ग के श्री रसिक राय ने इस वाद्य को सोलो वाद्य के रूप में मंच तक ले जाने का सफलतम प्रयास किया। आजकल की सामूहिक संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार और सिखाने की दृष्टि से सस्ता सरल उपयोगी वाद्य हारमोनियम ही है। धन्यवाद।